हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ दीपा शिकरवार। आई विल बी टीचिंग यू कंप्यूटर क्लास थर्ड। कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर है आपका कंप्यूटर एंड ओवरव्यू, कंप्यूटर और उसका अवलोकन। इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कंप्यूटर क्या होता है, वह किस तरीके से कार्य करता है और कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको इसी चैप्टर में जानकारी दी जाएगी। तो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर एक विद्युत मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बिजली की सहायता से चलती है। इट टेक्स इनपुट फ्रॉम यू, यह आपसे इनपुट ग्रहण करती है या लेती है। इट यूजेस सम प्रोग्राम टू प्रोसेस दीज इनपुट्स, यह कुछ प्रोग्राम का प्रयोग करके अपने जो इनपुट की प्रोसेस होती है उसकी प्रक्रिया को पूरी करती है। फाइनली इट डिलीवर्स आउटपुट एज पर योर रिक्वायरमेंट, और अंत में यह हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें आउटपुट पहुंचाती है। इट कैन आल्सो स्टोर योर डाटा, यह आपके डाटा को स्टोर करके भी रखती है। यू कैन रिट्राइव दिस डाटा लेटर ऑन, आप इस डाटा को बाद में पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर मैनी सिंपल टास्क लाइक, कंप्यूटर का प्रयोग हम बहुत से सिंपल कार्यों के लिए भी करते हैं, जैसे कि ड्राइंग पिक्चर ड्रॉ करने में, राइटिंग लेटर्स पत्र लिखने के लिए, प्लेइंग गेम खेलने के लिए, एडिंग नंबर्स नंबरों को जोड़ने के लिए, वॉचिंग मूवीज़ एंड कार्टून्स मूवीज़ देखने के लिए या कार्टून देखने के लिए, लिसनिंग टू म्यूज़िक सुनने के लिए। नेक्स्ट है हाउ डज़ अ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। द प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर टास्क कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री स्टेजेस, जो कंप्यूटर की प्रोसेस होती है कार्य करने की वह तीन भागों में विभाजित की गई है। फर्स्ट इनपुट, सेकंड प्रोसेस, थर्ड आउटपुट। इट मींस कंप्यूटर फॉलोअप्स इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है वह इनपुट प्रोसेस आउटपुट की जो चक्र है उसको फॉलो करता है। इन आवर डेली लाइफ्स, हमारे दैनिक जीवन में मैनी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, बहुत सारी क्रियाएँ ऐसी होती हैं जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट के चक्र में शामिल होती हैं, जैसे कि कुकर में चावल का बनना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुकर में चावल डालते हैं आवश्यकता अनुसार उसमें पानी डालकर, यानी कि ये हमारी हो गई इनपुट, यानी कि हमने कुकर में हमारा जो मटेरियल है वो डाल दिया, ठीक है। देन प्रोसेस, उसको बंद करके हम जब फ्लेम पे रखते हैं तो उसमें कुकर के अंदर जो भी क्रिया होती है वह हमारी प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस के अंतर्गत हो गई। एंड देन फाइनली जब कुकर में चावल पक जाते हैं तो जो हमारे चावल बन के बाहर निकलते हैं तो वो हमारे आउटपुट के अंतर्गत आ गया, जैसे कि चावल का बनना यानी कि कुक्ड राइस, ये हमारा आउटपुट बाहर आ गया। तो इस एग्जांपल से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि यह जो चावल का बनना है वह इनपुट प्रोसेस आउटपुट का जो चक्र है उसी क्रिया में शामिल है। दूसरा एग्जाम्पल आपको इसमें दे रखा है फ्रिज का। जब हम फ्रिज के अंदर अपना खाना रखते हैं तो जो खाना होता है या फ्रूट्स वगैरह कुछ भी होता है जो हम फ्रिज के अंदर रखते हैं वो उस फ्रिज के अंदर रखने से पहले एक नॉर्मल टेम्परेचर पर होते हैं, यानी कि उसमें ना तो वो ज़्यादा गर्म होते हैं ना ज़्यादा ठंडे होते हैं, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर होते हैं। जब हम फ्रिज के अंदर उस सामान को, फ्रूट्स को या खाने को जो भी सामान है उसको रख देते हैं तो उसमें कूलिंग की प्रोसेस होती है। एक या दो घंटे बाद जब हम फ्रिज में से अपना खाना या फ्रूट्स जो भी निकालते हैं तो वो ठंडा होके बाहर निकलता है, यानी कि जब हमने फ्रिज के अंदर जो हमारा खाना रखा, यानी कि हमने फ्रिज के अंदर अपना इनपुट रखा, देन उसमें प्रोसेस हुई हमारी, देन हमने जो खाना या फ्रूट जो भी है वह ठंडा होके जो बाहर निकाला वह हमारा आउटपुट हो गया। मतलब कि जो हमारा कोल्ड फ्रूट्स या खाना जो भी है वह हमने जब बाहर निकाला फ्रिज में से तो वो हमारा आउटपुट हो गया। इसी तरीके से इसमें एक सिंपल प्रोसेस दे रखी है आपको, जैसे कि इनपुट यानी कि फूड, यानी कि जो हमारा फूड है खाना वो हमारी इनपुट की क्रिया हो गई। प्रोसेस यानी कि कूलिंग, जो उसमें फ्रिज के अंदर जो भी कूलिंग होती है यानी कि वो प्रोसेस हो गई। और कोल्ड फूड यानी कि हमारा जो ठंडा खाना है या फ्रूट्स जो भी है वह हमारा आउटपुट हो गया। तो इस एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर किस तरीके से कार्य करता है, यानी कि जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो उसमें प्रोसेस होती है, देन प्रोसेस होने के बाद जो हमारे पास जो मटेरियल आता है, हम जिस मटेरियल को प्राप्त करते हैं वो हमारा आउटपुट हो गया। आई होप सो
हाँ, इतना आपको समझ में आ गया होगा। एंड मैंने कुछ वर्ड मीनिंग दे रखी है इसमें। अगर आपको फिर भी कुछ वर्ड मीनिंग समझ में ना आ रही हो, तो कुछ वर्ड मीनिंग्स की है, इन वर्ड मीनिंग्स की हेल्प से आप उनको समझ सकते हैं आसानी से। ये आप वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में, रफ में, या किसी भी जो भी कॉपी है आपकी उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है आपको, तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।